सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के उभरते हुए खिलाड़ी रोहेल नज़ीर, जो इस वक्त पाकिस्तानी अंडर 19 की कप्तान भी है, उन्होंने शानदार और दबंग ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान कर दिया है कि सरफराज अहमद भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हसब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कौमी अंडर 19 टीम के कप्तान रोहेल नज़ीर ने कहा है कि एशिया में भारत के खिलाफ मैच को आम मैच की तरह लेकर खेलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इनका कहना था कि एशिया कप के तमाम ही मैच अहम है और किसी भी टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता, चाहे भारत हो, कवैत हो या अफगानिस्तान। हमने हर मैच के लिए हकमत अमली तरतीब दी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि इस मेगा इवेंट टूर्नामेंट में जारहाना खेल पेश करते हुए अच्छी कारकर्दगी दिखाए। टूर्नामेंट में शिरकत से कबल तरबियती कैंप के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने इस टूर्नामेंट के लिए खूब तैयारी की है। हमने कोशिश की है कि तरबियती कैंप के दौरान अपनी खामियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर हम अंडर 19 लेवल पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो यकीनन हमें पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में खेलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बल्लेबाजी की सलाहियतों से टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकूं। वाजह रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 7 सितम्बर को श्रीलंका में खेला जाएगा। तो दोस्तों, यदि पाकिस्तान अंडर 19 टीम के उभरते हुए कप्तान रोहेल नज़ीर के शानदार और दबंग ऐलान के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।